हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। आई एम मधु सैनी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो हमारी इम्यूनिटी पावर पर बेस्ड होगी। आपने नोटिस किया होगा, मैं ऑलवेज अपने प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा ऑलवेज कहती हूँ कि हमें ये चीज़ें खानी चाहिए, ये न्यूट्रिशियस है, ये हेल्दी है। तो मैं आपने सोचा कि हमेशा हेल्दी, हमेशा न्यूट्रिशियस, वाई? तो इसका आंसर आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के तौर पर। आई होप यू एंजॉयड इट एंड लाइक इट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हमें हेल्दी चीज़ें खानी ही चाहिए, डेफिनेटली हमें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए, इसका जवाब इस वीडियो में है और बहुत ही सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इनफैक्ट हम सभी को पता है, लेकिन हम कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब रश होता है तो जल्दी में होते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर करें तो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत ही चेंजेस होते हैं, अच्छे चेंजेस होते हैं। इम्यूनिटी क्यों ज़रूरी है? इम्यूनिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर को एक ताकत, शक्ति, क्षमता होती है। मोस्टली सिटीज़ में, अब तो बल्कि गाँव में भी बहुत सारे पॉल्यूशंस, बहुत सारे इतना हर तरफ एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो चुका है, हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छे से, उसकी केयर करें तो वो भी हमारी केयर करेगा। सो टेक केयर ऑफ योर इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम की टेक केयर हम कैसे करें, ये बहुत ही सिंपल वेज हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, और इनफैक्ट मैं खुद करती हूँ ये। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो डेली लाइफ में अपने इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं बेसिकली, अब एक दिन में तो किसी की लाइफस्टाइल चेंज होने से रही और होती भी नहीं है, क्योंकि हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये करो वो करो सारी चीज़ें सोच समझ के। तो बेटर ये है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी होगी। जैसे कि अब हमें भूख लगी है तो हमें हमारे जो स्नैक्स होते हैं ये घर में होममेड लेने चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने बैग में नट्स, पीनट्स, इस तरह की चीज़ें रखें। और ब्रेकफास्ट में होममेड ग्रैनोला लें, जिससे कि अब मार्केट में जो कॉर्नफ्लेक्स आता है उसमें शुगर होती है और जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं इसका हमें माइंड मेकअप करना होगा और हमें स्टिक रहना होगा उन चीज़ों पर कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी और ये हमें करनी। जो चीज़ें हमें करनी है उसमें एफर्ट लगता है, और जिन चीज़ों में एफर्ट लगता है वो लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम जल्दी में एक शॉर्ट टर्म अपनाते हैं, भूख लगी कुछ भी खा लिया, इससे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। इनफैक्ट हमें एक गिल्ट होती है कि हमने ये चीज़ खाई लेकिन हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला, तो हमें वो चीज़ें करनी ही नहीं। अब हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसे कैसे इम्प्रूव करें, घर में हमारे पास में बहुत ही बेसिक चीज़ें हर किसी के घर में होती हैं। जैसे मैं आपको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बेसिक चार पांच चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करती हूँ एवरीडे, किसी भी फॉर्म में, कैसे भी, वो आप भी कर सकते हैं। जैसे गार्लिक बहुत ही एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। दूसरा है आलमंड्स, इसे हम भिगो के खाएँ, रोस्ट करके खाएँ, किसी भी फॉर्म में खाएँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए।
टर्मरिक पाउडर। अब मैं आपको अपने बेटे का ही एग्जाम्पल देती हूँ। वो दूध लेता है पीडियाश्योर वाला, मैं क्या करती हूँ उस दूध में उबलते हुए में पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के बॉयल करके और उसमें पीडियाश्योर मिला के उसे दे देती हूँ। तो उसकी जो बहुत लॉन्ग टाइम की जो कफ थी उसकी, वो अब ख़त्म हो गई है। तो ऐसे बेसिक छोटे छोटे चीज़ें, और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो क्या पी रहा है, हल्दी है या क्या है। उसे चॉकलेटी फ्लेवर मिल गया, उसने पी लिया, साथ में अच्छी चीज़ भी उसकी चली गई। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता होती है। अब वायरस है, बैक्टीरिया है, इनफैक्ट अब तो सिचुएशन कोविड-19 की वजह से एक पैंडेमिक सिचुएशन पूरे ग्लोबली हो रही है। लेकिन इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हमें ऐसी सिचुएशन आए हमारी लाइफ में तभी हम उसे स्ट्रेंथन करने पर फोर्स करें, हमें हमेशा अपनी इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करने के लिए पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। जैसे अब मॉनसून है, बारिश का टाइम है, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस, पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें एनवायरनमेंट में होती रहती हैं। इससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो ऐसे में हमें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रेंथन होगा, तो हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, जल्दी हमें बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। ये बेसिक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है, हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है। फूड में हमें वैसे बेसिकली जो खाना हम खाते हैं वो तो खाते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक हमें थोड़ा सा माइंड मेकअप करना होगा, थोड़ा सा अवेयरनेस लानी होगी कि कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा नहीं है, कौन सी चीज़ें हमारे बॉडी को बेनिफिट देंगी और कौन सी चीज़ें बेनिफिट नहीं देंगी। तो उसके लिए आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैं आपको क्लियर करती हूँ। सो इजी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इज प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच इज़ वेरी बेनिफिट फॉर अस, इजीली अवेलेबल हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स, तो विटामिन्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इजीली मिल जाती हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें इजीली कहीं भी मिल जाती हैं। और मैक्सिमम ईट ग्रीन मोर, हमें ग्रीन चीज़ें, चाहे वो फ्रूट्स हों, लीफी वेजिटेबल्स हों, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंज्यूम करनी है, क्योंकि ये इनमें लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिट करते हैं। और अब हमने फूड की बात की कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, या हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें फूड पर ही फोकस करने की आवश्यकता है ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा मेंटल पीस की तरफ भी ध्यान देना होगा। इनर, हमें अपने इनर पीस की तरफ भी ध्यान देना होगा, अपना इंटरनल बॉडी की तरफ। जैसे कि हमें वर्कआउट करना चाहिए 10 to 15 मिनट्स, आई डू मोस्टली 20-25 मिनट्स एवरी डे, आई डू एक्सरसाइज, आई डू योगा। तो ये चीज़ें इंक्लूड करने से हमें इंटरनली बहुत ही अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, पॉजिटिविटी आती है। और जब हम इंटरनली अच्छा फील करेंगे तो हमें हमारी इम्यूनिटी जो बिल्ड इम्यूनिटी पावर है वो बिल्ड होगी, डेफिनेटली बिल्ड होगी। तो हमें हमेशा बेशक एफर्ट लगता है लेकिन अच्छी चीज़ों पर स्टिक रहना है, अच्छा फूड खाना है, और एक्सरसाइज, वर्कआउट, जो भी आपको पसंद हो, डांस है, रन है, आप प्लीज़ ये कीजिए। और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई मस्ट से, स्टे हेल्दी स्टे फिट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
subscribe to my channel. See you next time. Bye.